Assalamu alaikum viewers, this is Agha from Expertech. Welcome to lesson 3 of GW Basic. In this lesson we shall learn about the following: use of list command, use of run command, use of load command, use of save command, and use of delete command. In this lesson we will also learn that how to edit a program from making changes on it by using edit statement, how to save a program, use of remarks statement, use of input statement, use of print statement, close statement, edit statement, etc. Let's go for the learning. Open your compiler of BASIC. Line number 10, input. This is input statement that takes the value from us and returns the value by using that number. Input, please insert any number. अब ये क्या करेगा कि हमसे एक वैल्यू लेगा और ए में इसको इंसर्ट कर देगा. बी इनपुट प्लीज इंसर्ट सेकंड नंबर. और ये स्टेटमेंट हमसे फिर दोबारा एक नंबर कंप्यूटर लेगा, वो हम इंसर्ट करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी बी की. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू हम खुद नहीं दे रहे बल्कि सिस्टम हमसे मांगेगा वैल्यू और फिर हम वो इंसर्ट करेंगे तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट करके उस वेरिएबल में रख देगा. जो पहले आप नंबर इंसर्ट करेंगे वो ए में आ जाएगा और जो दूसरा नंबर आपसे सिस्टम लेगा वो बी में आ जाएगा. अब ये ए और बी की वैल्यूज़ हो जाएंगी जो हम इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर के मांगने पर. अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सी एक वेरिएबल रखेंगे जिसको हम ए इनटू बी कर देंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी दोनों की. 40 में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे मल्टीप्लाइड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कर देंगे और इसको सी में रख देंगे. 50 पे हम इसको क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे. अब देखेंगे इसको रन करके देखते हैं. प्लीज इंसर्ट एनी नंबर, ये हमने नंबर डाल दिया इसमें 5. अब ये पूछ रहा है सेकंड नंबर कौन सा हम रखें. ये 5 चला गया ए की वैल्यू में और हम इसको 6 कर रहे हैं, ये बी की वैल्यू में चली जाएगी. एंटर करते हैं, 5 × 6 = 30. तो ये इसका हमें आंसर मिल गया, द मल्टीप्लाइड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 30. अब आते हैं हम रिमार्क्स स्टेटमेंट पे. अगर हम इसमें 5 नंबर पे ऐड कर देते हैं रिमार्क्स स्टेटमेंट. ये रिमार्क्स क्या होते हैं, ये एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है. इस स्टेटमेंट में क्या करता है कंप्यूटर के इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, इसको ऐसे छोड़ देता है.
इस पे कोई इसकी ऑपरेशन कोई नहीं होता, कोई मतलब एक्शन नहीं होता। ये सिर्फ हमारे लिए होता है कि हम इसके रिमार्क्स को पढ़ के ये समझ लें कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम में हम लिखेंगे कि ये प्रोग्राम जो है ना, दिस प्रोग्राम इज़ अबाउट, लिस्ट कमांड, रन कमांड, बल्कि कमांड को हम छोड़ देते हैं, कमांड आखिर में लिखते हैं, रन, लोड, सेव, डेल कमांड्स एंड रैम स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट ईटीसी। अब मैं लिस्ट करवाता हूँ, सीएलएस कर देता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब लिस्ट कराते हैं, ये देखिए। अब इसने क्या किया, 5 को ऐड कर दिया इस प्रोग्राम में, और इसमें इसने रिमार्क्स लिख दिए कि ये प्रोग्राम जो है वो अबाउट लिस्ट रन लोड सेव डिलीट कमांड्स के लिए, और रैम स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट के लिए। अब इनपुट स्टेटमेंट में क्या होगा, इनपुट हमसे पहले नंबर मांगेगा, रन करते हैं इसको, देखें जी इसने 5th नंबर लाइन को स्किप कर दिया, इट मीन्स रैम वाली लाइन को इसने स्किप कर दिया। वजह यह कि सिस्टम इस लाइन को पढ़ता ही नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए होता है। अब ये मैंने नंबर लिखा 3, और ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की वैल्यू मैंने 2 रखी, एंटर किया, इसने मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यूज़ को, और सी की वैल्यू रख दी 6। यहाँ तक हमने किया अच्छा। इसके बाद हम फिर जाएंगे, इनपुट स्टेटमेंट भी हो गई, रैम भी हो गई। अच्छा, हम अगर चेंजेस करना चाहें किसी भी लाइन पे तो हम क्या करेंगे, खाली हम इसको लाइन नंबर लिखेंगे, एडिट पहले करेंगे, एडिट 40, 40 लाइन को एडिट कर देगा ये। अभी हम 40 पे आ गए। अब देखें, सेमी कॉलन की जगह पे अगर मैं कॉमा देता हूँ, कॉमा सी, तो ये क्या करता है, चलें ये आ गया 40। मैं इसको सीएलएस पहले करता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, आपको समझ में आए, फिर लिस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो प्लीज़ इंसर्ट एनी नंबर, मैंने नंबर लिख दिया 5 और दूसरा नंबर मैंने लिख दिया 6, एंटर किया। ये जो वैल्यू है हमारी, ये 8 स्पेसेस छोड़कर आएगी। अब इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, F4 को प्रेस करेंगे और फाइल का नाम देंगे abc.bs। ये बेसिक का प्रोग्राम है, इस वजह से इसकी एक्सटेंशन हमें देनी है, और ये कोटेशन मार्क, और एंटर कर दिया, फाइल सेव हो गई। अब अगर हम कोई न्यू फाइल बनाना चाहें तो न्यू करेंगे, अब ये जो फाइल है वो मेमोरी से चली जाएगी, और मैं अगर लिस्ट करूँगा तो ये फाइल हमें नज़र नहीं आएगी, ये प्रोग्राम हमें नज़र नहीं आएगा जो abc.bs के नाम से फाइल बनकर। अच्छा, अगर हम इसको दोबारा लोड करना चाहें तो इसके लिए लोड की कमांड हम डालेंगे इसमें, या F3 करेंगे, एक ही बात है, लोड कोटेशन मार्क abc.bs, एंटर कर दिया, अब ये फाइल लोड हो गई। अब इसको अगर हम लिस्ट करना चाहें, लिस्ट कर दिया, ये सामने आ गई हमारी फाइल। इसको मैं cls करता हूँ ताकि स्क्रीन भी क्लियर हो और ये चीज़ नज़र भी आए, लिस्ट, ये आ गई भाई हमारे सामने फाइल।
अब मैं अगर किसी लाइन को डिलीट करना चाहूँ तो एक डिलीट कमांड होती है जिससे मैं किसी भी लाइन को डिलीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 लाइन को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा डिलीट 50। तो ऐसे ये लाइन नंबर 50 डिलीट हो गई। अब देखिएगा CLS करके देखते हैं, लिस्ट करके देखते हैं, 50 लाइन नंबर डिलीट हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 50 लाइन को ऐड कर दूंगा। देखिए 50 लाइन आ गई। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने पढ़नी थी। ये अभी क्लास ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको हम आगे दूसरी कमांड्स वगैरह और दूसरे प्रोग्राम्स आपको बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।